कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती कैलाश राठौर से निवेदन है मेरा कि वे कृपया मंच पर आए, नारी शक्ति की प्रतीक से बैठकर स्वागत कर रहे हैं। कृपया जोर लाट ताली बजाकर स्वागत करें। जो विधायक है जिनके नेतृत्व में अधिकारी जनपद पंचायत नर्मदा प्रसाद सूर हमारे चैनल जी का खुश खुश बैठकर स्वागत करें, स्वागत करें। हम सबके जीवन का सौरा आवाज जिनका सीधा सर से है उनके हृदय में आपकी ताली लगातार बजती रहनी चाहिए। हमारे जिला पंचायत के सीएम ताली बजाकर स्वागत करें, वंदन करें, जिन्हें प्रण प्राण के साथ में लगातार सेवाएं दी है। जी निर्मल जी जानता है और हम सभी गृह स्वयं की किसी निवेदन है कि मैं मंच पर अपना स्थान करें। उन्होंने धर्म चेतना के आधार पर भारत को विश्व गुरु हुआ है, जिन्होंने संघर्ष की अविरल गाथा लिखी है, जिनका अंतःकरण गंगा के तारे पवित्र है, इसकी क्षमताओं की धनी है, वो एक लोहपुरुष व्यक्तित्व है। यही थी कि जो लोग जिन्होंने संघर्ष की अविरल गाथा लिखी है ऐसी अभिलाषा करते हैं, हमें सभी उन्हें अपना सहयोग करें। ये पवित्र प्रशस्ति पत्र महान मालवीय जी अध्यक्ष भाजपा जिला सीहोर स्वागत और सभी का आज के इस पूरे जनपद से कलेक्टर साहब का आता है। लेकिन जहां एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज इस बीच में जोड़ता हूं कि 15 महीने की कांग्रेस कार्यकाल में कांग्रेस की सरकार में मैं भाजपा का विधायक होने के बावजूद भी मेरी जनता के लिए कोई मांग कोई भी चीज की मांग करने में सारे मंत्रियों के पास गया और लेके भी आया। उस कड़ी को जोड़ता हूं वापस सरपंची में, तो कृपया कोई भी सरपंच ये कड़ी को बीच में ना लाए कि सरपंच कौन है और विधायक कौन है, क्योंकि ना मुझे देखें आप, ना खुद को देखें, आपके ग्रामीण की जनता को देखें और भरपूर सहयोग जो ले सके ले सके। आने वाले समय में अभी कलेक्टर साहब बता ही रहे थे कि अभी कुछ और अनुदान पंचायतों में आया है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि खूब काम करो, गांव को उत्कृष्ट बनाओ, जैसा हमारे जिला अध्यक्ष महोदय बोल रहे थे कि आपका नाम ऐसा बनना चाहिए कि आगे भी जाना जाए कि सरपंच साहब ये करके गए थे। और उसी चीज में जहां मेरी जरूरत है, मैं तो कभी पक्षपात करता नहीं है, जो आए स्वागत है, जैसा आप लोग आदेश करेंगे, क्योंकि जो राशि मेरे पास है वो मेरी नहीं है, वो आपकी है, ग्रामीणों के लिए। क्षेत्र में हमारे पास शहरी क्षेत्र में हमारे पास बहुत पैसा रहता है, मैं 95% राशि ग्रामीण में खर्च करता हूँ और आप ही के लिए करता हूँ। आदरणीय दीदी से भी हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करूंगा कि दीदी आपकी लोकसभा क्षेत्र में 7 विधानसभा माला माल है, सबसे गरीब विधानसभा तो सीहोर है, तो कृपया वो क्रम तो चेंज करें दीदी, पहले सीहोर से चालू हो फिर आगे चलो। और हमारे ऊपर किसी भी प्रकार से हमला करते हैं, आपने देखा होगा कई लड़कियों को अपनी जान देनी पड़ी और उन्होंने अपनी निम्नता निम्न स्तर की विचारधारा को ला करके और हमारे समाज पर कुठाराघात करने का प्रयास किया। मेरा आपसे सिर्फ एक ही कहना है कि आप अपनी बालिकाओं को संस्कार दीजिए, अपने बालकों को संस्कार दीजिए। जिस प्रकार से आप अपनी बालिकाओं की चिंता करते हैं कि हमारी बच्ची कहाँ गई, क्यों इतनी देर हो गई, क्यों नहीं आई, उसी प्रकार से आप अपने बच्चे यानी बेटे की भी चिंता कीजिए कि हमारा बेटा इतनी देर से क्यों आया। और ये सब जब आप चिंताएं करेंगे तो हमारा परिवार और उसको उनको संस्कारित कीजिए, हमारा परिवार संस्कारित रहेगा, हमारे बच्चे हमारे कंट्रोल में रहेंगे। तो ऐसी सामाजिक दुर्घटनाएं जो होती हैं जिनके बाद फिर पुलिस प्रशासन को अपनी कार्यवाही करनी पड़ती है, ऐसी कार्यवाहियां ना करनी पड़े, ये हम सबके परिवारों का दायित्व तो है, माता पिता का दायित्व तो है, बहन भाइयों का दायित्व तो है। इसलिए अपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें और अपने धर्म को छोड़कर कभी ना जाएं। जिस धर्म में जिस कुल में हमने जन्म लिया है हम उसके होकर के रहें और हम अपने संस्कारों में रहें। धर्म कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए और विधर्मी कभी बनना नहीं चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की रक्षा के लिए जो भी कार्य किए बिल्कुल ठोक के किए, हाँ ये हम कर रहे हैं, अगर दुश्मन देश
हमारे ऊपर किसी प्रकार से ट्रेड यार्ड करता है तो हम किसी भी हद तक जाकर के अपने राष्ट्र की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध है और करेंगे। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले शासनकाल में आपने 5 वर्षों में पिछले में देखा होगा कि कई बार उनको 2 बार स्ट्राइक करनी पड़ी तो वो पीछे नहीं हटे, लेकिन उनके दुश्मनों के घरों में जाकर के, हमारे दुश्मन देश जितने भी उनके घरों में जाकर के, और उन्होंने वहां पर विजय पाई। चीन भी अगर आंख दिखा रहा है तो भारत शक्तिशाली बनकर के खड़ा है, चीन को पीछे हटना पड़ा है। विश्व की अगर बात करते हैं तो सिर्फ 5 वर्षों में, पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस कहती है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तो विदेश की यात्रा करते हैं, वो तो भारत में रहते ही नहीं है, क्यों प्रधानमंत्री बने। मैं उनको जवाब देना चाहती हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, कटोरा लेकर के भीख मांगने विदेशों में नहीं गए हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी देश का स्वाभिमान जागृत करने के लिए विदेशों में यात्रा की है और आज उसी दम पर योग को विश्व में वो पहुंचा पाए हैं। भारत विश्व गुरु की श्रेणी में आने के लिए तत्पर है, आगे आने के लिए तैयार है, हम सब उसके लिए तैयार हैं। हमने दान देना सीखा है, हमने कर्ज लेना बंद कर दिया है, हम कर्ज देने लगे हैं, और इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी विदेशों में जाते हैं, ना कि झूठ बोलने के लिए, ना कि कटोरा लेकर के भीख मांगने के लिए, ना कि हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने के लिए। भारत अगर दम पर खड़ा है तो सनातन शक्ति के दम पर खड़ा है, भारत अगर दम पर खड़ा है तो आर्थिक शक्ति के दम पर खड़ा है, भारत अगर अब खड़ा है तो माननीय प्रधानमंत्री जी के मनोबल और देशभक्तों के मनोबल के आधार पर खड़ा है।